बाबा नानक दी अपरम पार मेहर एक दानिशमंद वजीर आजम दी इच्छा शक्ति पठान दी जबान उधरों ताड़ी दूजे हाथ नाल वजाउंदे मोदी साहब का इस्तकबाल ते ए मुकद्दस लांघा खुलिया भाई आपको पूरा हाथ डाल लिया करोड़ा नानक नाम लेवा सिख जगत गुरु हर धर्म दे लोग तृप्त होए शुकराना करन आया नजराना देन आया और एक कहन आया के इस नवजोत सिंह सिद्धू दियां 21 पुश्तां डाकिया बना के बाबा जी ने तार दियां ना मेरी कोई औकात ना मेरी कोई जुस्तजू मेरा कख भी है नहीं इहदे च बाबा जी दी मेहर अरदासां कबूल और अज तुसी देखो करोड़ा नानक नाम लेवा हर धर्म दे लोग जगत गुरु धर्मां च नहीं वंडदे वो कहंदे मानस की जात सब है एक है पहचान वो चौ वर्णा नू खुला अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मन इस करके मैं वजीर आजम दा तय दिलों धन्नवाद करदा उन्हां पहल कीती वो एक कदम तुरे ते दूजे पासों दो कदम तुर के ए सारी मानवता नू तार दिता मैं पहला भी कहंदा सी जड़ा लांघे दे लई खड़ूगा वो लख दा जिन्हें तनकीद कीती वो कख दा ते हो गए कख दे हुण मैं इस गल नू अगे वधाउणा चाहुंदा इस गल नू शायर दी नजरों मैं अगे वधाउणा चाहुंदा और वो मंग मैं पिछली बार भी रखी सी पौनी सदी पहला ध्यान नाल सुनना अज दा सुनेहा इही हो पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ लईआं कंधां पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ लईआं कंधां चलो कढ लईआं कंधां हुण की सलाहां या मैं निंदा चलो कढ लईआं कंधां हुण की सलाहां या मैं निंदा पर एक गल आखणी जरूर चाहुंदा खास पर एक गल आखणी जरूर चाहुंदा खास इहनू आख लो दुआ मेरी या कह लो अरदास या कह लो अरदास ते ओ गल ए है ते ओ गल ए है कि कंधा होण उत्ते मूरतां प्यारियां दियां होण कंधा होण उत्ते मूरतां प्यारियां भी होण कंधा अन्नियां ना होण ओ कंधा अन्नियां ना होण बूहे बारियां भी होण बूहे बारियां भी होण ते बूहे बारियां चो लंघ आवे दोस्ती ते प्यार ते बूहे बारियां चो लंघ आवे दोस्ती ते प्यार साडा मेल जोल होवे यारो ओ साडा मेल जोल होवे चले वणज व्यापार चले वणज भले सोनी हाले ए जो मैं गल कीती है ए हरेक दा सुपना साकार कर दी है भाई जदों वाजपेयी साहब इत्थे प्यार मुहब्बत दी बस लेके आए सी ते दोवें पंजाब पापा भार हो गए सी कि नहीं हो गए सारे खुश सी सारे खुशियां मनाउंदे सी ओ क्यों क्योंकि एक तांग है और अज मैं इत्थे खड़ो के कहना कि जिस तरह दे तुहाडे वजीर आजम ने जिस तरह दी उन्होंने दानिशमंद सोच दिखाई है वो इस पुकार नूं भी सुनणगे ये जिहड़ा स्पिरिचुअल रिलीजियस टूरिज्म है मेडिकल टूरिज्म है ये देशां दे मुकद्दर बदल सकदा है मैं कहना कि जिहड़े साडे हिंदू मंदिर ने जिहड़े आस्था दे पुंज है वो भी खोले जा वो दानिशमंद है ओ परमात्मा दी मेहर नूं समझदा
उन्हें इस गल भी समझना। तो मैं थानू कहना कि अगर साड़ी तजारत खुलती है, अगर साढ़े होर लांघे खुलते हैं और गुरु का लांघा असंख्य संभावनावां का लांघा है, वो यार साढ़े कल्चर एक ने, साड़ी जबान एक, साढ़े पहरावे एक ने, मां बोली पंजाबी एक है, ते होर साड़ा टौर टप्पा भी एक है। दो करम घट तुरना पर तुरना मड़क दे नाल, क्यों ठीक है ना। ते फिर भाई ये दूरियां मिटाउण दे वास्ते व्यापार खुले। भाई लालो ने किसान इधर भी ने, किसान उधर भी ने। ते मैं तुहानू इह कहना चाहुंदा कि 92 च डीजल की कीमत हिंदुस्तान दे विच 5 तो 6 रुपये सी, अज 100 हो गई, 25 गुणा वध गई। ते उत्थे कणक की कीमत जिहड़ी किसान की है वह सिर्फ 5 गुणा वधी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 गुणा, फसल की कीमत 5 गुणा। ते भाई जे अज हिंदुस्तान की कणक जे 25 साल 300 तो 1700 हुई, तो अज वह कणक इतने पाकिस्तान के 34 देशों के दरवाजे के उत्ते रखो, तो 1700 की इतने 3000 विकती है एक दिन च, जड़ी 30 साल च हुई इतने एक दिन च हुंदी है। 3200 की जीरी, 3200 की जड़ी बासमती है इतने 7000 विकती है, 7000 5 रुपये का मटर इतने कदे 25 टुटिया नहीं, 3 रुपये का टमाटर इतने 50। एदू वड्डी केड़ी मार्केट है भाई, एदू वड्डी केड़ी मार्केट, एदू वड्डा केड़ा साडा, केड़ा साडा समृद्धि का द्वार है। 34 देशों नू खुला सिलकन रूट, ते भाई साडा समान 2100 किलोमीटर मुंद्रा पोर्ट ते क्यों जावे, 20 किलोमीटर अमृतसरों लाहौर क्यों ना आवे। ते जदों कराची बॉम्बे खुले, चलो अमीरां दा ओह है, कराची बॉम्बे खुले अमीरां वास्ते, ते भाई साडे सधारण बंदियां वास्ते, सिद्धुआं वास्ते, आम पंजाबी वास्ते, फिर लाहौर ते अमृतसर क्यों ना खुले, क्यों ना खुले, क्यों ना पौंटा साहब वध तो वध बंदे जान दर्शन दीदारे करन, क्यों ना ननकाणा साहब सारा पंजाब उमड़ के आवे, क्यों ना टूरिज्म नू बाबा चन्न तारे लावे। तुसी कहने हो प्रमोट, मैं कहना चन्न तारे लावे, ठीक है। सो ये जड़ी गल अगे वधाउणी है ना, वो मैं वधा छड्डी है, और मैं कहना तुहानू कि अगर ये होया ते दोवें पंजाब दोवें मुल्क 6 महीनियां दे विच 60 साल की तरक्की करन, 60 साल की तरक्की करनगे। ये साडे लई लोकां दी जिंदगी बदलन दा एक बहुत सुनहरा मौका है, एक अच्छा इतिहासिक मौका है। ते मैं मोदी साहब नूं भी गुजारिश करदा, ते खान साहब नूं भी गुजारिश करदा कि खोलो ये दरवाजे, खोलो ये साडियां किस्मतां दे उत्ते क्यों लाते ताले, खोलो ये दरवाजे, ये पोटेंशियल है। वेखो 275,000 करोड़ की पोटेंशियल है ट्रेड की, 34 देशां की, हिंद पाक की 37 बिलियन US डॉलर्स, ते ओदे चो असी सिर्फ 2 to 2.5 बिलियन US डॉलर्स नू इस्तेमाल कर सके 2019 तो पहला। एक असंभव शब्द बेवकूफा दे शब्द कोश है, 2019 तो पहला खुला सी ये व्यापार, 25% वागे दे थ्रू हुंदा सी, 25% ए वागे दे थ्रू हुंदा सी। सिलकन रूट 34 देशां नू जांदा, हुशियारपुरी चिट्टे कुर्ते पजामे पा के बल्क बुखारे तक आउंदे सी, ते कहंदे सी जो सुख छज्जू दे चबारे, ना बल्क ना बुखारे। बोलो भुल गए हो, तुसी भुल गए हो, ते समझौता एक्सप्रेस पंजाब मेल चलदी हुंदी सी, दिलां नू जोड़दी हुंदी सी, ते क्यों ना जोड़ी, जोड़न वाले नू मान, तोड़न वाले नू अपमान, क्यों ना गुरबत मिटाइए, क्यों ना
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਲਿਆਈਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਟਾਈਏ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਅਸੰਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਆਇਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਫਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਵਲਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਾਤ ਕਰੀਏ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ SSPਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇਟਲੀ ਜਰਮਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੋਲੈਂਡ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਝੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਖਾਓ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਸਟਰੀਆ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਬਰਕਤ ਆਈ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਈ ਯੂਰੋ ਅੱਜ ਉਹ ਤਗੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕੱਚ ਪਨੰਸੁਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸਿਲਕਨ ਰੂਟ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਉਹ ਬ੍ਰਸਲ ਸਪਰਾਊਟ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਦੌੜੇਗਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਧੰਨਵਾਦ।